हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप टैली से कैसे कमा सकते हो। सर टैली राइट, अगर आपने टैली सीखा हुआ है, टैली का कोर्स किया हुआ है, तो आप इस टैली से भी पार्ट टाइम काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। सर पार्ट टाइम बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो सर, और ये प्रैक्टिस जो है ना काफ़ी अच्छे तरीके से चलती है। ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या करते हैं लोग, आउटसोर्सिंग का काम करते हैं। आउटसोर्सिंग मतलब कंपनी क्या कर रही है ना, अपने आप में खुद से बिजनेस नहीं कर पा रही है। उनके पास मान लो छोटी कंपनियाँ मतलब सोचो जो आपके लोकल एरिया में जो दुकानें हैं, वो दुकान क्या एक अकाउंटेंट हायर कर सकती है? नहीं कर सकते सर, क्योंकि एक अकाउंटेंट कम से कम 12,000 से 10-15,000 वो चाहे वो चार्ज करेगा, एंड ये अमाउंट वो बियर नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ को वो रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं कि एक आदमी को हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं एक काम कर भाई, मेरे यहाँ का सारा डेटा तुम एंट्री करेगा, तेरे को जब मन करेगा आके करना और घर चले जाना, ठीक है। वो एक पार्ट टाइम में काम करवा लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, बड़ी कंपनियाँ क्या करती हैं, वो एक बढ़िया सा बड़ा सा सेटअप क्रिएट करती हैं, एंड इस बड़े से सेटअप क्रिएट करने के बाद वो बैठ जाते हैं कि भैया आओ। जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको अपना अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए दे देती हैं, और ये एक जगह से बैठे बैठे सबका डेटा को मैनेज करते हैं और सबको डेटा सबका इन्फॉर्मेशन उनको भेजते रहता है। ये क्या करती है, बड़ी कंपनियां करती हैं, एंड सेम पैटर्न छोटे जगहों पे भी चलता है। वो सिस्टम क्या है, एक बंदा राइट ये क्या कर रहा है, इसने चार ऐसी कंपनियों को पकड़ लिया है, ठीक है। ये अपना कॉलेज करता है, ये अपना कॉलेज जाता है, घर आता है, पढ़ाई करता है, सब कुछ करता है। इसने क्या किया, चार डिफरेंट दुकानों को पकड़ लिया, छोटी शॉप्स को पकड़ लिया, जो आपके एरिया में काफ़ी फेमस होंगे उन शॉप को पकड़ सकता है, कम फेमस होंगे उनको पकड़ सकता है, जो भी इनको पकड़ लिया। अब इनके पास जाके बोला कि भैया मैं आपके अकाउंट्स को पूरा देख लूँगा, आपका अकाउंट्स मेरा कंट्रोल में रहेगा, आपको जो चाहिए होगा सारा डिटेल दे दूंगा, एंड इस चीज़ के बदले में आई विल जस्ट चार्ज 3,000, ओके 3,000, 4,000, 5,000, डिपेंड्स अपॉन द कंपनी का सिचुएशन क्या है, उस दुकान का स्थिति क्या है, ठीक है। किसी से बोला कि भाई इसका तो बहुत कम ट्रांजेक्शन होता है, कुछ है ही नहीं, देन आप उसे चार्ज करो 2,000 रुपये पर मंथ। किसी दुकान वाले से आपने बोला कि यार इसका बहुत ज़्यादा टर्नओवर है, इससे 5,000 चार्ज करना ठीक पड़ेगा। कोई छोटू सा दुकान वाला है, उससे वो बोल रहा है कि एकदम हालत ख़राब है सर, 1,000 रुपये चार्ज करो। तो अभी देखो आप क्या कर रहे हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, आप 11,000 रुपये अर्न कर रहे हो अपने कॉलेज के साथ साथ, राइट। इन सभी के पास आपने टाइम फिट कर लिया, आपने चार ऐसी कंपनियों को ढूंढना है जिन कंपनियों में आप ये सर्विसेज दे सकते हो। इन चार ऐसी दुकानों में आप क्या कर रहे हो, जा रहे हो, डेली का टाइम फिक्स कर लिया, आपको डेली का 2 घंटा यूज करना है, 2 घंटा इस दुकान में बैठो, 2 घंटा इस दुकान में बैठे, 4 घंटे आपने इस दे दिए, 4 घंटे आपने नेक्स्ट डे अल्टरनेट कर दिए, मंडे वेडनेसडे थर्सडे इन दोनों दुकान में जाना है, फिर आपका ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे इस दुकान में जाना है, संडे आपको आराम करना है। तो डेली का आप 4 घंटा या 3 घंटा का टाइम क्या कर रहे हो, आप डिवोट कर दे रहे हो यहाँ पे, या फिर अर्निंग के हिसाब से जिस कंपनी में ज़्यादा अर्निंग, यहाँ पे 5,000 है तो यहाँ पे आप 2 घंटे डेली दे रहे हो, मतलब 2 घंटे दे रहे हो, इसमें आप हर रोज 30 मिनट जाले चले जा रहे हो, अल्टरनेट डे पे ही 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पहुँच रहे हो, क्योंकि वहाँ एंट्री भी कम होगा। तो ये काम आप इस तरीके से आप कर सकते हो और एक अच्छा खासा अमाउंट ऐड कर सकते हो। सपोज करो आपके पास क्या हो रहा है, अभी और ज़्यादा कंपनियाँ मिल गई आपको, और ज़्यादा कंपनियाँ आपके कनेक्शन में आ गई, इस सिचुएशन में आप और भी लोगों को अपने साथ ऐड कर सकते हो, जो और भी स्टूडेंट होंगे कॉलेज के, 12th क्लास के स्टूडेंट होंगे, उनको ऐड कर सकते हो, एंड आप क्या कर सकते हो, फिर मॉनिटरिंग का काम कर सकते हो कि उनका काम कैसे हुआ है, उनको उनका डेटा जो है रिकॉन्साइल कर सकते हो, एंड इस तरीके से भी आप काफ़ी अच्छा अमाउंट अर्न कर पाओगे, ठीक है। ये तो था मेथड नंबर 1, जहाँ से आप एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर पा रहे हो अपने कॉलेज के साथ साथ, अपने खुद का एक्सपेंस निकाल रहे हो, बल्कि अपने एक्सपेंस से ज़्यादा आप अर्न कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, और इसमें आपको कोई दिमाग कुछ एक्स्ट्रा काम करना नहीं है सर, दुकान उनका ऑलरेडी सेटअप है, आपको बस उनसे बात करना है कि मैं आपका एंट्री कर दूंगा, आपकी दुकान का हर चीज़ मैं मैनेज कर दूंगा, जस्ट यू नीड टू पे दैट अमाउंट। आपको इस बात के लिए कन्विंस करना है सर, पहले बार जाओगे तो कन्विंस नहीं होंगे, एक बार में कोई काम नहीं होता है, आपको 2-4 कंपनियों को ऐसे सर्च करना होगा, 2-4 दुकान वालों से बात करना होगा, एंड 2-4 दुकान में एक दुकान आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपका काम, आपको काम देने के लिए रेडी हो जाएगा। एक दुकान रेडी हो गया ना, आप उसी का दुकान को दिखा के आप दूसरे को बोलो कि सर उसने मेरे को काम दिया, आप भी दे दो, देखो उसका काम बढ़िया चला, आपका भी चलेगा। तो इसी तरीके से करके विद इन 6 मंथ टू 1 ईयर आपके पास कम से कम 4 से 5 दुकानें हो जाएंगी, एंड अगर आप एक दुकान से अगर आप 2,000 भी चार्ज करते हो सर, तो 10,000 रुपये आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। मैं बहुत हवा में बात नहीं कर रहा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिसमें लाखों कमाओ करोड़ों कमाओ रहता है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम जेन्युइन बात कर रहा हूँ। कम से कम अगर आप 2,000 भी कमाते हो तो 10,000 रुपीज़ आपका कोई नहीं लेने वाला, मिनिमम अमाउंट है ये, ठीक है, जो कि आप
अब 2000 नहीं चार्ज होता है, मिनिमम अल्टरनेट आपका 3000 टू 4000 चार्ज हो रहा है मार्केट के हिसाब से। तो अगर आप 4000 भी चार्ज कर रहे हो पांच कंपनियों से, चार कंपनियों से, तो काफ़ी अच्छा हैंडसम अमाउंट आप अर्न कर ले रहे हो। दूसरा सिस्टम क्या है सर? दूसरा सिस्टम है आप दुकान के अंदर नहीं बैठ रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप दुकान जा नहीं रहे हो। आपने बोला कि एक काम करता हूँ, आपने एक टैली परचेस किया है, टैली का गोल्ड वर्जन परचेस किया है, वो एक्चुअली पूरा सर्वर बेस्ड होता है, ठीक है। आपने टैली परचेस कर लिया, आप क्या कर रहे हो, आप अपने घर में बैठ के इनसे बोल रहे हो कि आप मेरे को अपना वाउचर वगैरह जो है आप मेरे को भेज दीजिएगा। आप शाम को निकल रहे हो और सभी दुकानों से सबका वाउचर आप कलेक्ट करके लेके आ रहे हो, ठीक है। वाउचर आप कलेक्ट करके ले आए, कलेक्ट करके आने के बाद घर में बैठ के हर कंपनी का अपने वाउचर एंट्री कर दिया, ठीक है। अपने बैंक रिकॉन्सिलेशन कर लिया, सब कंपनी का घर में बैठे बैठे अपने डेटा को कंप्लीट कर दिया, ओके। आप टैली का बेसिक वर्जन भी आप परचेस करोगे तो काम हो जाएगा, जो ऑनलाइन नहीं है ऑफलाइन भी चलेगा, ठीक है। अराउंड 18,000 टू 20,000 के आसपास इसका पेड वर्जन मिलता है, क्रैक वर्जन भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, आई डोंट नो कहाँ मिलता है बट मिलता है, मैंने सुना ये चीज। तो अगर मेरी तरफ से बेस्ट सजेशन होगा कि आप क्रैक वर्जन बना यूज करो, बल्कि आपको यूज करना है तो पेड वर्जन यूज करो। एक बार में 18,000 से 20,000 के आसपास का खर्चा आएगा, लेकिन उसका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है सर, बहुत अच्छा, ठीक है। तो एक बार आपने क्या किया, इनका डेटा पुट कर लिया, इनका डेटा को अकाउंट को ओके कर लिया। ओके करने के बाद आप क्या कर रहे हो ना, इनके जो डेटा फाइल होता है, इन डेटा फाइल को आप गूगल ड्राइव में इनके सेव कर लिए, सबको गूगल ड्राइव पे मेल कर दिए। अब जब सबको गूगल ड्राइव पे मेल कर दिया ना, ये जब भी चाहे उस डेटा फाइल को टैली में डाल के उस पूरे के पूरे डेटा का एक्सेस ले सकते हैं, उस पूरे के पूरा डेटा को देख सकते हैं। कितना ईजी थी सिस्टम है ये, है ना। आप अपने घर में बैठे बैठे पार्ट टाइम में अपने ही ऑफिस में अपने घर के अंदर बैठे बैठे शाम के समय 2-3 घंटा डेली टाइम देके आप 4 दुकान का 3-4-5 दुकान का आप क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है। एक घर में बैठे बैठे पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो और घर में बैठे बैठे आपका काम चल रहा है। आप अपना कॉलेज कर रहे हो, आप अपने ट्यूशन कर रहे हो, आप अपने जो भी प्रोफेशन है उसको फॉलो कर रहे हो, पैशन फॉलो कर रहे हो, जो करना चाहते हो कर रहे हो। सिर्फ शाम का 2 से 4 घंटे का टाइम आपको निकालना होगा, एंड सर 2 से 4 घंटा टाइम इज एनफ, ठीक है। छोटी दुकानों में उतना ज़्यादा अभी ट्रांजेक्शन नहीं आता है सर, बहुत ही कम रहता है। अराउंड अगर 20 या फिर 30 भी एंट्री आती है, 20 या 30 भी अगर वाउचर रहता है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और इतना ज़्यादा भी वाउचर्स नहीं आते, इतने बड़े भी सेल्स नहीं होते, क्योंकि वो लोग कच्चा में डील करते हैं, कैश में ज़्यादातर डील करते हैं, तो बिल में बहुत कम ही डील होता है उनका, ठीक है। सो आई थिंक आपको यहाँ से प्रॉफिट टैली के थ्रू अर्न करने का जो तरीका मैं बता रहा था वो मैंने आपको समझा दिया। आपको ये एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहला काम है सर, आपका जो ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए ना एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आपको एक वेल ड्रेस्ड होकर जाना होगा दुकान में। आप हाफ पैंट में पहुंच गए, गंजी पहने हुए, एकदम यो हनी सिंह का गाना सुनते सुनते पहुंच गए, वो बंदा आपको भगा देगा, ठीक है। तो आपको जाना है कैसे, एकदम वेल ड्रेस होकर जाना है और आराम से कॉन्फिडेंट के साथ बात करना है कि सर मेरे को टैली का काम आता है, आपका अगर करना है तो मैं कर दूंगा। अच्छे से बात करना, एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, आप उसको कार्ड दिए कि सर हम आपकी ये सर्विसेज को अच्छे से कर देंगे। वो बंदा समझ, एक बार आपने उसको कन्विंस कर लिया, उसको अगर वो कन्विंस नहीं हो रहा है देन यू कैन से कि सर आप एक काम करो, 1 वीक तक का टाइम दो, 1 वीक में आपके यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करूंगा। आपका 1 वीक में अगर आपका सारा रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से होता है तो आप मेरे को काम कंटिन्यू करने देना, ये बेस्ट होगा। और इस चीज़ के लिए कोई दुकानदार आपके लिए मना नहीं करेगा और ये काफ़ी अच्छा तरीका है लोगों को इम्प्रेस करने का। तो एक बार वो बंदा इम्प्रेस हो गया आपके सर्विसेज से को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर आप उससे आराम से चार्ज कर सकते हो और आप अपने घर में बैठे बैठे आप कॉलेज के साथ साथ स्कूल के साथ साथ आप जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ आप अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये तो एक तरीका था जो मैंने टैली से अर्न करने के साथ सिखा दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं आउटसोर्स करना, अकाउंट्स प्रोसेस को आउटसोर्स करना, ठीक है। सो होप ये वीडियो तुमको पसंद आया हो, समझ में आया हो क्या करना है कैसे करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि ऐसा वीडियो और भी चाहिए क्या, टैली से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्या, किसी और स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर चाहिए क्या। ऑलरेडी मैंने एनुअल रिटर्न के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, कंपनी सेट के जो एनुअल रिटर्न आते हैं ना सेक्शन 92 के अंदर MGT 7A, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ से भी आप अर्न कर सकते हो। वो वीडियो भी आप चाहो तो देख सकते हो, वीडियो के आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।